नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुगर जो किसी की भी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, ब्लड शुगर बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, चाहे कितना ही आपका शुगर बढ़ा हुआ है, आपको इस उपाय को करने के बाद में आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। इस उपाय को आपको रोज करना है अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है। ये उपाय कौन सा है हम इस वीडियो में जानेंगे। ना तो कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है, सिर्फ आपको एक ऐसा उपाय रोज करना है जिसे करने के बाद आपका डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। उस उपाय को करने के बाद आपको क्या फायदा मिलता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो सभी के साथ शेयर करें, और नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में शुगर के जितने भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, बचने के लिए आज एक ऐसा उपाय रोज करेंगे तो आप इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति को शुगर हो जाता है उसे बहुत सारे साइड इफेक्ट होने लगते हैं, उन्हें आंखों संबंधी समस्याएं होने लगती है, उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, उनके शरीर के अंदर पूरी तरह से कमजोरी आ जाती है, अंदर से पूरी तरह से व्यक्ति खोखला हो जाता है, थकावट बहुत ज्यादा रहती है, शरीर में खुजली चलने लगती है, मूत्र बार बार आता है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, नींद की कमी होने लगती है, बाल जड़ जाते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे संक्रमण हो जाते हैं, किडनी से रिलेटेड उनको समस्याएं होने लगती है, हार्ट से संबंधित उनको समस्याएं होने लगती है। लेकिन इस उपाय को अगर वो व्यक्ति रोज करता है तो उसका शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, करेले लेके आने हैं और करेले का आपको जूस बनाना है। किस तरह से का प्रयोग शुगर के लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन करेले का जूस के अंदर अगर आप आपके पैरों को डीप करके रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। यानी कि यहाँ पर आपको पीना नहीं है, अपने पैरों को उसके अंदर रखना है। करेले लेके आते हैं तो उन्हें क्या करें, धो करके अच्छे से छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए और मिक्सर के जार के अंदर उनको पानी डाल करके पीस लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए, उसका थोड़ा जूस टाइप बना लीजिए। उसको छानना नहीं है, उसको छीलना नहीं है, ऐसे ही उसको आपको पीस लेना है और फिर आपको एक टब के अंदर सारे ही घोल को आपको उसके अंदर डाल देना है और अपने पैरों को थोड़ी देर के लिए उसके अंदर रखना है। जब वो करेले के जूस के अंदर अपने पैरों को आप डीप करके रखेंगे तो आपका डायबिटीज कितना ही हाई क्यों ना हो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। उसकी वजह से आपको कितने ही साइड इफेक्ट होते थे वो बिल्कुल बैलेंस में आने लग जाएंगे। इस उपाय को रोज करना है अगर आप शुगर के पेशेंट हैं। ये सबसे अच्छा उपाय है ये, और इसे करने के बाद आप खुद कहेंगे कि आपको काफी अच्छा लग रहा है। करेले के जूस के अंदर जैसे ही आप उस पैरों को उनमें रखेंगे के द्वारा उससे बहुत सारा संक्रमण सही होएगा। तो अगर आपकी शुगर बहुत ही ज्यादा बढ़ी रहती है कि 400 है 500 है तो आपको इस उपाय को रोज करना चाहिए ताकि आपका शुगर लेवल बिल्कुल सही रहे। ये जितने भी साइड इफेक्ट होता है उनसे बचाता है और दूसरी बीमारियां पैदा नहीं होने देता। ये इंसुलिन लेता है तो वो भी उसका बंद हो जाएगा। इस उपाय को आप रोज करिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुगर को आप बिल्कुल जड़ से सही कर सकते हैं, अच्छा पौष्टिक आहार लेकर, योग एक्सरसाइज करके, कुछ ऐसे छोटे छोटे क्रियाएं करके, घरेलू नुस्खों को अपना करके। अगर आप इन सभी चीजों को कंटिन्यू रोजाना करते हैं तो आपके शरीर में शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल रहता है, दूसरी बीमारियां भी फिर नहीं उठती और आपके अंदर स्फूर्ति आने लगती है, आपकी बॉडी जो है पूरी तरह से काम करने लगती है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमी फिर नहीं आती। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।